नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वे। स्वागत करता हूं आपका एसएस ऑटोमोटिव में। आपके सामने खड़ी है टाटा सफारी का प्योर प्लस एस, वो भी डार्क एडिशन। इसी का ही आज रिव्यू किया जाएगा। एक्सटीरियर ये फीचर्स ऑन रोड प्राइसिंग के साथ साथ ये भी बात करेंगे इस वेरिएंट को हमें क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये है टाटा सफारी का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट प्योर प्लस एस, क्योंकि इसमें आपको सनरूफ भी देखने को मिलते हैं और जरूरत के जितने ही फीचर्स है ना, वो सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और देखा जाए तो टॉप मॉडल से ज़्यादा बेहतर या फिर ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल बोला जाना है तो यही है मुझे, क्योंकि इसमें फीचर्स तो मिल जाते हैं, साथ ही में प्राइसिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से देखा जाए ना, एक बड़ी गाड़ी के हिसाब से, बड़ा डीजल इंजन के हिसाब से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। जरूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है डार्क एडिशन मिलता है। जो लोग भाई डार्क एडिशन के फैन हैं, जिनको डार्क एडिशन में ही मजा आता है भाई, उनके लिए ये मॉडल सबसे ज़्यादा सही है। उनके बजट में भी आ जाएगा और सारे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वेरिएंट में सारे फीचर्स मिल जाते हैं, अंदर भी काफ़ी अच्छी स्पेस वगैरह मिलता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक्सेसरीज के पार्ट लगे हुए हैं, वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले इसके ऑन रोड प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो ये गाड़ी आपको ऑन रोड, अगर आप नॉर्मल यानी कि ऑटोमेटिक नहीं मैनुअल वेरिएंट में लेना चाहते हो, ये गाड़ी आपको ऑन रोड अप्रॉक्स 24 से 24.5 लाख रुपए में मिल जाती है। अगर इसका आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हो, जो कि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट ही है, वो आपको अप्रॉक्स 26 लाख रुपए में ऑन रोड RKL मोटर गोरखपुर यूपी पे देखने को मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में शोरूम के रिगार्डिंग सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, वह सारे फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप डोर हैंडल्स आप देखो, जो सेंसर के साथ आता है, डार्क कलर में बहुत ज़्यादा शानदार लगता है। डोर वगैरह तो खैर इसके वाइड ओपन होते ही होते हैं टाटा की सभी गाड़ियों के, यार ये बड़ा फीचर्स है। और अगर बात करें, ग्लास एरिया भी काफ़ी बड़ा मिलता है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। क्वालिटी वगैरह ठीक है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे है ग्रैब हैंडल्स, यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल, सॉफ्ट टच मिलता है काफ़ी प्यारा। नीचे बॉटम होल्डर्स, स्पीकर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस तरह का डार्क एडिशन का इंटीरियर मिलता है चारकोल ब्लैक में। टाटा सफारी प्योर प्लस एस 2024, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट, सीट एडजस्टमेंट मैनुअल ही देखने को मिल जाते हैं। इधर आएंगे तो इंजन स्टार्ट और बटन मिल जाता है। गाड़ी के अंदर बैठते हैं, उसके बाद और भी चीज़ें बताते हैं क्या क्या और भी इसमें फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इस गाड़ी का जब भी मैं रिव्यू करता हूँ तो दिल खुश हो जाता है भाई। प्योर प्लस वेरिएंट है, एस है, क्योंकि इसमें भाई आता है फुल पैनोरामिक सनरूफ, तो यही सी बात है, एस वेरिएंट है। डार्क में है, कितना ज़्यादा शानदार भाई साहब इसके इंटीरियर आता है, पूरा डार्क में आता भाई। पूरी गाड़ी आप देखो, आगे से पीछे तक पूरी तरीके से डार्क में आती है भाई। यही है इस गाड़ी का जलवा, डार्क एडिशन का मतलब ही यही होता है, ऑल थिंग्स डार्क। और पूरी तरीके से डार्क है हर एक चीज़, इंटीरियर वगैरह सब है। देखो ये स्टिचिंग जो दी गई है, सब काफ़ी प्रीमियम लगता है। मतलब ये वेरिएंट मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है और सच में इस वेरिएंट को लेना चाहिए सफारी का। आइए पहले शुरुआत करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। तो स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको टिल्ट मिल जाता है, रीच भी आपको देखने को मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील पे, तो ये चीज़ ठीक है। बाकी अगर बात करें, गाड़ी को पहले ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे बात करें तो स्टीयरिंग व्हील पे फुल आपको एसी ऑफ हो जाए। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो फुल लेदर ट्रीटमेंट मिल जाता है। यहाँ पे आपको माउंटेड कंट्रोल वगैरह देखने को मिल जाते हैं ये पूरा। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे म्यूजिक कॉल वगैरह कंट्रोल मिलता है। यही चीज़ देखो भाई, क्या गजब का भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है। फुल इन्फॉर्मेशन, फुल डिस्प्ले, यूआई वगैरह आप देखो कितना ज़्यादा शानदार आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे टाटा की गाड़ियों का भाई, काफ़ी चीज़ मिलता है ना, गजब का मिलता है। 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ, रेडियो वगैरह सब कुछ ये आपको सपोर्ट करता है। हर एक चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो, मतलब देखा जाए तो ना, हर एक चीज़ आप इस गाड़ी में आपको बेहतर देखने को मिल जाती है। इसका टच रिस्पांस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आएंगे तो एसी वेंट्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, फुल्ली ऑटोमेटिक मिलता है। और यहाँ पे आपको बूट का, हजार लैंप का और लॉक अनलॉक देखने को मिल जाता है। फैन वगैरह यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। नीचे अगर आते हो तो यहाँ पे आओगे नीचे, तो यहाँ पे आपको यूएसबी मिल जाता है, 45 वाट का आपको सी टाइप मिलता है। और कोई भी वायरलेस चार्जर वगैरह देखने को तो इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, लेकिन ड्राइविंग मोड वगैरह देखने को मिल जाते हैं। रफ रोड मोड इज एक्टिवेटेड, तो ये आवाज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, आप लोग बताइएगा। बाकी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपके सामने है, यहाँ पे काफ़ी शानदार लगता है पकड़ने में, काफ़ी प्रीमियम वाली फीलिंग आती है। हैंड ब्रेक आपको इलेक्ट्रिकली नहीं मिलता है, मैनुअली मिलता है, वही हवाई जहाज वाला। बाकी यहाँ पे आपको देखा जाए तो अम्ब्रेस के नीचे भी स्पेस वगैरह मिलता है, यूएसबी तो मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है, कप होल्डर्स मिल जाता है, सीट पे कवर लगा हुआ है, ये सीट कवर का यूज किया गया है। इस पे आपको
लेकिन एक चीज़ अच्छी बात यह है कि भाई ये एक्सेसरीज का पार्ट है जो भी सीट कवर वगैरह लगा है, लेकिन सीट का कंफर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा था, बहुत शानदार आपको कंफर्ट देखने को मिल जाता है सफारी में। यहाँ पे ग्लव बॉक्स भी बड़े साइज का देखने को मिल जाता है। ये जो स्टिचिंग है ना बहुत प्रीमियम लगती है भाई, क्वालिटी तो भाई प्रीमियम है, प्राइस वगैरह के हिसाब से जबरदस्त क्वालिटी आपको देती है टाटा। यहाँ पे आप देखोगे तो कोई वारंटी भी नहीं मिलता है, लेकिन रीडिंग लैंप आपको यहाँ मिल जाता है। और यहाँ पे पैसेंजर साइड एयरबैग को ऑन ऑफ करने का अपना ठीक IRBMs आपको मैनुअली देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको वारंटी मिरर देखने को नहीं मिलता है। केवल पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने को फुल मिल जाती है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, जैसे मिलती थी वैसे आपको देखने को मिल जाती है। भाई गाड़ी में दम है भाई, बैठने के बाद लगता है कि हाँ किसी गाड़ी में आप बैठे हो। चलिए इसको ऑफ करते हैं और चल के देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी में देखने को मिलती हैं। टाटा की सस्ती गाड़ी खरीदिए या फिर आप महंगी गाड़ी खरीदिए, इनके सीट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कुशनिंग वगैरह काफ़ी शानदार लगती है। डायमेंशनली अगर बात करें तो लेंथ मिल जाती है 4668 mm की, विड्थ मिलती है 1922 mm की, हाइट मिलती है 1795 mm की। व्हील बेस की बात करें तो 2782 mm का इसमें आपको व्हील बेस भी देखने को मिलता है, जो इतनी बड़ी गाड़ी के लिए भाई साहब बहुत बड़ी गाड़ी है। क्लैडिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाती है, डार्क एडिशन की बैजिंग मिल जाती है, क्लैडिंग वगैरह पतली मिलती है, लेकिन व्हील आर्च अच्छा मिलता है, सस्पेंशन तगड़े वाले मिल जाते हैं। टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 235/17 inch के आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं इस वेरिएंट में, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी ग्राउंड क्लीयरेंस सही है, यहाँ पे आपको फुट पैड ये सब एक्सेसरीज का ही पार्ट है जो भी लगा हुआ है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल वॉल्यूम टर्न इंडिकेटर के साथ आपको मिलता है। और भी अगर बात करें तो भाई साहब यार इस गाड़ी का यार लुक देखो कितनी ज़्यादा शानदार है, डार्क में ब्लैक कलर में गजब की जस्ती है गाड़ी यार, गजब लग रहा है, मतलब लुक वाइज बहुत शानदार है, और इस कलर में तो गाड़ी एकदम कह ढा रही है। बाकी अगर बात करें तो इसमें आपको 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पे ग्लास एरिया आपको बड़े साइज का मिलता है, ये डिजाइन बहुत अच्छी लगती है रूफ रेल की, शानदार। रियर की अगर बात करें तो रियर का डोर आप देख ही सकते हो कितना वाइड ओपन हो रहा है, ये बात बिल्कुल अच्छी है। बाकी ग्लास एरिया वगैरह ठीक मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी वगैरह ठीक मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्टेटर लॉक ऑन लॉक, विंडो के कंट्रोल सॉफ्ट टच पूरा मिलता है, बॉटल होल्डर्स यहाँ ग्रैब हैंडल्स, बॉटल होल्डर्स और स्पीकर वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। सीट वगैरह फैब्रिक में मिलती है, जो भी ये लेदर ट्रीटमेंट लगा हुआ है ये सब एक्सेसरीज का पार्ट है, बाहर से आप लगवा सकते हो, शोरूम द्वारा लगवा सकते हो। गाड़ी के अंदर बैठते हैं उसके बाद बात करते हैं। टाटा सफारी की एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है कि इस गाड़ी में आपको पिलर वाला एसी वेंट्स देखने को मिलता है, और इससे ये फ़ायदा ये होता है कि ये सीधा आपके ऊपर ही थ्रो मारता है, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये बीच वाला जो होता है ना वो सीधा है, अगर आप इधर भी करोगे ना तो सही से आपको लगता नहीं है, ये आपको बराबर से आपको मारेगा। सेंट्रल कंसोल में आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे आओगे तो एक USB आपको देखने को मिल जाता है, USB और सी टाइप आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर बात करें इस गाड़ी की तो बाकी अगर बात करें तो इसमें आपको कोई भी आर्मरेस्ट की सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन एडजस्टेबल दो दो हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, और ऊपर फुल पैनोरामिक सनरूफ, रीडिंग लैंप आपको एलईडी बेस ही मिलते हैं, बाकी जो भी चीज़ें ग्रैब हैंडल्स वगैरह है आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको बॉस मोड देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप आगे पीछे करके बॉस मोड कर सकते हैं, मैनुअली मिलता है, जबकि आपको इसके ऊपर वाले वेरिएंट लोगे तो आपको ये मैनुअली इलेक्ट्रिकली देखने को मिल जाता है। बाकी और कुछ खास चीज़ें इसमें नहीं मिलती हैं, बाकी सारी चीज़ें बता दिया। भाई इंटीरियर देखो कितना ज़्यादा धांसू आपको इंटीरियर देखने को मिलता है, तो ये चीज़ है भाई इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा खास बात। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप भी देखने को मिल जाता है थर्ड रो में। अब चलते हैं इसके थर्ड रो की सीट पे, देखते हैं थर्ड रो की सीट पे और भी क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन ये है सेकंड रो की सीट का जो कंफर्ट वगैरह है वो रियली बहुत अच्छा है, थाई सपोर्ट वगैरह अच्छा है, लेग रूम वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा को अच्छा देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। चलते हैं इसके थर्ड रो की सीट पे, देखते हैं कैसा स्पेस वगैरह मिलता है। सीट कवर वगैरह तो और सही है भाई, लेकिन फैब्रिक में ही सीट मिलती है, कुशनिंग वगैरह सही है, स्पेस वगैरह अच्छा है, सब कुछ बढ़िया भाई, कमी तो भाई मुझे इस गाड़ी में नहीं लगती है। सब कुछ भाई जो भी चीज़ें टाटा देता है इस गाड़ी में ना वो एक नंबर का देता है। साइड से देखिए कितनी शानदार लग रही है। नीचे आपको कार्बन ब्लैक में बम्पर मिल जाता है, स्कीड प्लेट वगैरह देखिए पियानो ब्लैक में, पार्किंग सेंसर वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे टेल लैंप मिल जाता है, और ऊपर आएंगे तो ये कनेक्टेड टेल लैंप आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलती है, इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी अगर आएंगे तो नीचे आपको एक कैमरा मिल जाता है, यहाँ पे टाटा का लोगो, नीचे एक कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, साकफिन एंटीना, रूफ रेल वगैरह तो खैर मिलते ही मिलते हैं। बाकी इसके बूट को चेक कर लेते हैं, बूट खुल जा तो खुल गया भाई, देख सकते हैं अच्छे से कवरअप किया गया है बूट को, देख सकते हैं यहाँ पे बटन भी दिया था, यह टॉप मॉडल में दिया है।
बाकी अगर बात करें इसके थर्ड ओको अगर फोल्ड कर देते हो तो आपको 420 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वरना आपको बूट कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन मैं कहूँगा फोल्ड करके यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है, आपको बूट वगैरह काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ है इस गाड़ी में, 420 लीटर बूट कहीं से भी कम नहीं होते हैं। बाकी साइड से देखिए गाड़ी कितनी बेहतर लग रही है, मज़ा आ जाता है इस गाड़ी का, जब भी रिव्यू कीजिए या फिर देखिए इस गाड़ी को, मज़ा आ जाता है, गजब की गाड़ी है। थर्ड ओको चेक कर लेते हैं, थर्ड ओके को जाना भी काफ़ी आसान होता है, बहुत आसान होता है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता, एक लीवर देता है टाटा, बस इसको खींचिए और ये पूरी तरीके से ये गाड़ी फोल्ड हो जाती है ऑटोमेटिकली। और थर्ड ओके में स्पेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है, देखिए कितनी ज़्यादा शानदार एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, रीडिंग लैम्प मिल जाता है, दो दो आपको USB आपको देखने को मिल जाता है। यही नहीं, इधर आएंगे तो इधर आपको AC के भी कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, अगर देखा जाए तो थर्ड रो के AC का भी कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाता है, स्पीकर वगैरह भी मिलता है, जो भी चीज़ें मिलती हैं इस गाड़ी के थर्ड रो में वो सारी चीज़ें एक नंबर की मिलती हैं भाई। USB काफ़ी अच्छी बात है कि USB मिल जाता है, जो बैठेगा पीछे आराम से चार्ज कर लेगा अपने फ़ोन वगैरह को। इसको अनफोल्ड करना भी बहुत आसान है, बस ऐसे कीजिए, उसके बाद इसको ऐसे उठा दीजिए, पूरी सीट आपके बराबर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें बहुत कन्वीनियंट वाला फीचर्स है जो टाटा देता है, जो एक बहुत अच्छी बात है, टाटा की सभी गाड़ियों में मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए सफारी की बैजिंग मिल जाती है। बाकी अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं लुक वाइज ये गाड़ी कितनी धांसू लगती है। इस वेरियंट में देखा जाए फॉग लैम्प तो नहीं मिलता है, लेकिन LED प्रोजेक्टर आपको देखने को मिल जाता है, कनेक्टेड DRS वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। अगर इंजन ऑप्शन की बात करें तो वही आपको 2 लीटर का इंजन मिलता है, जो आपको 170 PS की पावर देता है, ठीक 50 Nm टॉर्क देता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी ARAI अप्रॉक्स जो क्लेम करती है वो है 16.3 KMPL का, जो इस गाड़ी के हिसाब से ठीक है। तो दोस्तों ये रहा टाटा सफारी प्योर प्लस एस डार्क एडिशन 2024 का रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।